रहन भाई, आज के इस कंपटीशन को लेकर के क्या जानकारी? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहमियत है इस शहर में ऐसे टाइप के और ज़्यादा दीगर कंपटीशंस की, जिसके अंदर हमारे सारे नौजवान जो हमारा तबका है फिटनेस की तरफ रुजू करें। और देखिए कि कंपटीशंस तो ऐसे शहर में हेल्दी कंपटीशंस होते रहना चाहिए। कंपटीशन की सबसे बड़ी बात जीतना और हारना नहीं है, कंपटीशन की सबसे बड़ी खासियत है पार्टिसिपेट करना। कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको जीत और हार का अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर आपको आपके कंपटीशन की अहमियत ही नहीं मालूम पड़ेगी। तो इस तरीके से एक रेस लगना चाहिए फिटनेस फ्रीक्स की, बॉडी बिल्डर्स की, बाकायदा मिस्टर मुमरा के लिए, और हर लेवल पे, हर कैटेगरी के लिए, हर वेट कैटेगरी पे के लिए ऐसा कंपटीशन बार बार शहर में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो किसी तरीके से हमारे टारगेट को जो भूल चुके हैं वो वापस से हमारे अपनी फिटनेस फ्रीक की उसके ऊपर, हमारे बॉडी बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर और हमारी सेहत की उसके ऊपर वापस रिटेन कर सके। और ये आज इनकी एज है, इनका क्राइटेरिया है, इनकी मेहनत है जो ये आज हमारे को अपने बॉडी बिल्डर्स ने डिस्प्ले करी है। ऐसी बॉडी बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, बहुत डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत डिसिप्लिन इन्वॉल्व है। ये बच्चे काफ़ी दिनों से पूरे एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर सारे हमारे जजेस बैठे, आप ये भी देखिए कि शायद ये 12 घंटा 8 घंटे से इन्होंने पोजिंग के लिए पानी भी नहीं पिया होगा, ताकि इनका एक एक मसल दिख के आए हमको। तो ये बहुत ही बहादुरी की बात है, बहुत डिसिप्लिन की बात है। हर चीज़ में नपा तोला खाना, हर चीज़ में सिर्फ प्रोटीन का इंटेक रखना, और इतना डिसिप्लिन एक बॉडी बिल्डर के अंदर ही हो सकता है। तो मैं इन सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और इनको सबको विश करता हूँ कि इंशाल्लाह हसन भाई यहाँ से प्राइजेस लेके जाए। मित्तल भाई, एक मैसेज लोगों को क्या जाना चाहिए बॉडी बिल्डिंग को लेकर? जैसा कि हमारे मुमरा में ज़्यादा करके नौजवान नशे में मुबतला है, अब ये बॉडी बिल्डिंग को किस तरह आना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव है बॉडी बिल्डिंग का, कि जो यहाँ पर जो इस चीज़ से लगा लेगा, जो बॉडी बिल्डिंग से रुजू हो जाएगा, जो फिटनेस फ्रीक हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर वो सिगरेट भी एक बंदा पीता होगा कम से कम दर्जे का जो नशा करता है, तो इतना एफर्ट डालने के बाद, दिन का 3 और 4 घंटा मेहनत करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी सिगरेट छूट जाएगी। क्यों? वो उसके जहन में ये रहेगा कि मैं 3-4 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं सिगरेट को फेंक दूँ, क्योंकि मेरा स्टेमिना मार रही है। तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा रेस है, एक ऐसा हमारे पास में एक चैंपियनशिप है जो कि सारी बुराइयों पे अच्छाई को काबिज करती है। बन सके एफिलेटेड ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाइए, तो इसके अंदर आपको सिर्फ यहीं पर ही, मुमरा के अंदर ही नहीं, आपको नेशनल इंटरनेशनल एक्लेम्ड हर जगह से सर्टिफिकेट करके आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, आप एक जिमनास्ट बन सकते हो। तो यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें जाती है, और मैं ये सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, यंग बॉडी बिल्डर्स हैं, इनको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नो रिट्रीट, नो सरेंडर। आपकी बॉडी है, ठीक है, आज आपको प्राइज नहीं मिला, लेकिन आपको अप्लॉजेस मिले इतने बड़े क्राउड का, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी वो टाइम आएगा कि इंशाल्लाह आपको फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, किसी भी चीज़ से अगर आपको प्राइज नहीं भी मिलता है, तो आप ऐसी फिजिक बना रहे हो जो इसके अंदर 100 आदमी के अंदर ऐसी फिजिक नहीं रहेगी। आप बॉडी बिल्डिंग करने से वो डिसिप्लिन आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी और पूरे करियर को, इंशाल्लाह पूरे लाइफ टाइम को, वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने का, खाने का डिसिप्लिन, पानी पीने का डिसिप्लिन, सुबह उठने का डिसिप्लिन, वर्कआउट करने का डिसिप्लिन, पूरा आपका दिन का डेली रूटीन बन जाता है बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज में जाने से। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सारे हमारे बॉडी बिल्डर्स को। शुक्रिया। मिस्टर मुमरा कॉम्पिटिशन आज रखा गया, इसके पीछे एक बेहतरीन मैसेज आके ऑर्गेनाइजर से दिया है कि अगर सेहत बनानी है, फिटनेस रखनी है, तो आपको नशा नहीं करना है। ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है हमारे शहर में कि ज़्यादातर बच्चे नशे में, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ है, और ज़्यादातर ये इतना बड़ा प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो इंटरेस्ट आपको नजर ही रहा है। क्या कैसा लगा आपको यहाँ का ये? जो भी 18 आवर्स में कदम उठाया एक फिटनेस के तरफ, बहुत ही अच्छा कदम है। आजकल नशा कई तरीके का होता है, नशा एक ही तरीके का नहीं, सिगरेट डाल दिया, पबजी हो गया, तुम्हारा गेम्स हो गया, रील्स हो गया, ये सब एक नशे का ही कारण है। बच्चे रात रात तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं, कुछ फिटनेस पर ध्यान नहीं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया 18 आवर्स में। क्या मुमरा जैसे शहर में पहली बार कॉम्पटिशन अरेंज किया? हो सकता है हमारे मुमरा से बच्चे लोग थोड़े दिनों में ऐसे मोटिवेट होकर महाराष्ट्र और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें, तो ये पहला कदम बहुत ही अच्छा उठाया था। सर, आपको ये विनर चुनने में दिक्कत हुई है कि आसानी से आपने ये विनर को चुन लिया गया? विनर फर्स्ट और सेकंड चुनने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो विनर था उसकी बॉडी अच्छी थी, और जो सेकेंड था उसका पोजिंग अच्छा था,
पर बॉडी बिल्डिंग में बॉडी देख के ही विनर चूज किया जाता है, इसलिए वो विनर बनता है। सर जैसे कि आप देखते हैं कि ज़्यादातर यंगस्टर्स ही बॉडी बिल्डर्स की बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी एक सवाल आपसे ये था कि उम्र का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए या उम्र भर चल सकता है? मेरे एक स्टूडेंट है, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ खुद, मैं कोच हूँ, मैं स्टूडेंट लोग को ऑल ओवर इंडिया गाइड करता हूँ बॉडी बिल्डिंग के तरफ। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 55 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं, फिटनेस की भी कोई उम्र नहीं। तो आप कभी भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हो, चाहे आप 14 साल के रहो या 55-60 साल के रहो, जब इच्छा, एज इज जस्ट ए नंबर। तो आप बॉडी बिल्डिंग कभी भी चालू कर सकते हो, उसका कोई जब जागे तब। हाँ यस भाई, थोड़ा सा परवेश भाई क्या कहेंगे आज के इस 18 हॉर्स द्वारा रखे गए प्रोग्राम? पहली बात मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह बड़े पेंडेमिक के बाद कंपटीशन बहुत तेज़ी से उभरा है और 18 आवर्स वाले ने तो मुमरा के लिए यूथ भी नहीं किया, इसके लिए मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह मुमरा के लिए सिर्फ जिम वाले नहीं, और भी जैसे हमारे जो बड़े हैं उनको भी करना चाहिए। इस स्टेज पे इन्हीं ऐसे स्टेजेस में आपने भी परफॉर्म किया है और आपने भी यहाँ प्राइजेज जीता है, आपकी सालों की जर्नी है, तो क्या फ़र्क पता चल रहा है? भाई जब मैंने स्टार्ट किया था करीबन 2013 में 12-13 से स्टार्ट किया था, मैं भी इनके तरह एकदम यंगस्टर। आज अलहमदिल्ला खेलते खेलते मेरे को 8 साल तो हुई, 30+ कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ। और मैं यही कहूँगा कि भाई जितना अच्छा लोग निकल के आएंगे उतना हमारे मुमरा को रिप्रेजेंट, और मैं भी सोचते हुए आया हूँ भाई मैं मुमरा को रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि भाई मुमरा हम बाहर निकलते तो भाई को पता होगा भाई कल्याण से समीर, तो मुमरा से ना वो भाई को जिम के साथ लगता है भाई इधर के मुमरा से शौक है, मुमरा में भी बॉडी बिल्डर मुमरा में कितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर।